sarvamangala mangalye shive sarvartha sadhake sharanne trambake आ गया बापू, आ गया बापू, लापरवाह कहीं था। कितनी बार कहा था कल, बेटे सवेरे महाराज से मिलने जाना है, चल दिया ना जाने कहा। मैं तैयार हूँ बापू। मेरी सब बातें याद रखना, हाँ हाँ, ले ये कथा। कटार, तलवार है बापू। लड़ने के लिए नहीं दे रहा बेटे, पहचान के लिए दे रहा हूं। एक अफा अपनी जान खतरे में डालकर महाराज की जान बचाई थी मैंने, उन्होंने खुश होकर यह कटार दी थी मुझे इनाम में, इसे महाराज को दे देना। देख तो नहीं सकते बेचारे, मगर इसे छूकर जरूर पहचान लेंगे और तुझे किसी अच्छी नौकरी पर लगा देंगे। अंधे हैं महाराज? हाँ, पापी को सुख धर्मात्मा को दुख, यही तो किस्मत का खेल है। सुना एक दिन महाराज शिकार खेल कर लौट रहे थे, किसी उड़ने वाले सांप ने उनकी आंखों पर हमला कर दिया, तभी से नजर चली गई बेचारों की। अरे दीदी दी, प्रजा के सुख दुख को देखने वाले खुद कुछ नहीं देख सकते। अच्छा बाबू, जीते रहो बेटा, भगवान तुम्हें कामयाबी दे। सावधान, शुक्ल गुण धान श्रीमान महाराजा अधिराज कनकपुर नरेश दरबार में पधार रहे हैं। संभालने वाला मौजूद है राजकुमारी, सेनापति वीर सेन के समर्थ हाथ हमेशा मदद को तैयार हैं, आप तकलीफ न उठाएं। ये तकलीफ नहीं है और मुझे किसी की मदद की जरूरत भी नहीं। बेटी, चलिए पिताजी,
महामंत्री और अधिकारीगण, आप लोगों ने राज की व्यवस्था को संभाल कर हमारे अंधेपन की कमी को दूर कर दिया है। राज की ओर से हम बिल्कुल निश्चिंत हैं, परंतु एक चिंता है। वो कौन सी चिंता महाराज? जो हरेक माँ बाप को होती है। महामंत्री, इन अंधी आंखों के बंद होने से पहले हम अपनी बेटी का हाथ किसी गुणवान राजकुमार के हाथ में सौंप देना चाहते हैं। पिताजी, आपको मेरी शादी की चिंता है और मुझे आपकी आंखों की। क्या खुशी होगी मुझे उस शादी से जिसे आप नहीं देख सकते। चिंता ना करो राजकुमारी, भगवान ने चाहा तो महाराज को फिर से दिखाई देने लगेगा। सच? ये मुमकिन है? हाँ राजकुमारी, हमारे नगर की सीमा पर एक योगी राज पधारे हैं। सुना है बड़े पहुंचे हुए महात्मा हैं, लाइलाज बीमारियों का भी इलाज कर देते हैं। अभी बुलाता हूँ मैं उन्हें। मैं खुद जाऊंगी महामंत्री। पिताजी, मुझे आज्ञा दीजिए। ये झूठी आशा है बेटी, सूखा हुआ फूल कभी खिल नहीं सकता। निराश ना होजिए पिताजी, मुझे आज्ञा दीजिए। जैसी तुम्हारी इच्छा है बेटी। पिताजी। सेनापति, जाने का प्रबंध करो और योगी राज को सम्मान पूर्वक राजमहल में ले आओ। जो आज्ञा महाराज। मौका मिला है आपके साथ चलने का, आपका साथी बनने का। बकवास बंद करो। जिसे आप बकवास समझती हैं वो तमन्ना है राजकुमारी। मैं सिर्फ रास्ते का साथी नहीं, जीवन साथी बनना चाहता हूँ। सेनापति, छोटा मुंह और बड़ी बातें, फिर ऐसी हिम्मत की तो खबरदार। क्यों भाई, कौन सी गाड़ी आ रही है तेरी? देखता नहीं, राजकुमारी की सवारी आ रही। राजकुमारी की सवारी? कह दो बच के निकल जाए, अपनी सवारी लेटी हुई है। क्या है, फेंक दो इसे उठाकर।
जियो राजा। कौन हो तुम? कौन हो तुम? मैं कौन हूं? भूला हुआ मुसाफिर। चले जाओ यहां से। इतनी जल्दी? सिपाही, सिपाही। वो नहा रहे हैं। राजकुमारी, मेरी वजह से आपको बहुत तकलीफ, माफी चाहता हूं। माफ कर दिया ना? पकड़ो पकड़ो, भागने ना पाए। विजय, दिल का जख्म बहुत गहरा है। उफ, बड़ी तीखी आंखें थी। इस पलंग की मालकिन कितनी कोमल हो। जियो राजा, जो सुख सपने में भी नहीं मिला वो अब मिल रहा है। राजन, मुझे सब कुछ मालूम हो गया राजकुमारी से। कहिए, मैं आपकी आंखें देख सकता हूं? हमारा वो भाग्य। निराश हो गए? क्या कोई इलाज नहीं पिताजी की आंखों का? है, सांप के काटने से अंधी हुई आंखों का इलाज सिर्फ नाग ज्योति है, नागलोक की नाग ज्योति। नाग ज्योति?
मुझे रास्ता बताइए नागलोक का, मैं लाऊंगा उसे। कहना आसान है, करना मुश्किल है सेनापति। कोई भी मनुष्य नागलोक का रास्ता नहीं जानता। इसका मतलब कोई भी नाग ज्योति ला नहीं सकता, आप पिताजी देख नहीं सकते। धीरज रखो बेटी, ऐसे भी लोग हैं संसार में जो आसमान को झुका सकते हैं, तारों को तोड़ सकते हैं। क्या हमारे राज्य में कोई भी ऐसा वीर नहीं जो नाग ज्योति ला सके? पिताजी ढिंढोरा पिटवा दीजिए राज्य में। ठीक है राजकुमारी। महामंत्री ऐलान कर दो, जो कोई भी नाग ज्योति लाकर हमारी आंखों का इलाज करेगा, हम उसे मुंह मांगा इनाम देंगे। सुनो सुनो नगरवासियों सुनो, महाराज का ऐलान है, जो आदमी नागलोक से नाग ज्योति लाकर महाराज की आंखें अच्छी करेगा, महाराज उसे मुंह मांगा इनाम देंगे। नाग ज्योति क्यों विजय ला सको भी नाग ज्योति? क्यों नहीं राजकुमारी, मैं चाहूं तो इसी वक्त ले आऊं नाग ज्योति, मगर दिक्कत यह है महाराज अंधे है। आप तो अंधे नहीं? नहीं मेरा मतलब चारों तरफ दुश्मन चील की तरह मंडरा रहे हैं। इस वक्त देश को बहादुर सेनापति की जरूरत है राजकुमारी, बहादुर सेनापति की। आप जैसे? बिल्कुल ठीक, इसीलिए तो मैं नहीं जा रहा नाग ज्योति लेने। सेनापति। हाँ आप? हाँ आप? हाँ हाँ बड़े होशियार हैं। आप हमारे सेनापति हैं, ये हमारा बहुत बड़ा हाँ हाँ दुर्भाग्य। हाँ? सेनापति जबान चलाने के बजाय तलवार चलाना सीखिए। राजकुमारी बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर, कितनी चमक है, नजर नहीं ठहरती। ठहर भी नहीं सकती, कतार की चमक और कायर की नजर। आपका मतलब? आप खूब समझते हैं सेनापति। आप ये समझती हैं मैं कायर हूँ? और क्या। राजकुमारी आग पर घी न छिड़को, पानी भी डाल देंगे। राजकुमारी खामोश, चले जाओ यहां से। ये नज़ारे
बगैर आज प्यार बेकरार है, है चांद कर जवानों रहा है मेरी तरफ देख। अरे मुझे याद है कल महाराज से मिलने जाना है, पूछता है क्या करोगे? मैं सीधे महाराज के पास जाऊंगा और इस कटार को हा? अरे कटार कहां गई, कहां गिर गई कटार? अरे हाँ, चिल्लाया सेनापति। राजकुमारी, उसके बाद सेनापति और उनमें खूब लड़ाई हुई, मालूम है फिर क्या हुआ? हाँ, हमारे सेनापति धरती चूमने लगे होंगे। फिर वो मेरे रथ के पास आए और मेरी तरफ घूर घूर कर देखने लगे। अरे बाप रे, इतने में सिपाही आ गए और उन्हें पकड़ लिया। तब मेरा दिल धक 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 करने लगा। खैर हुई वो बच गए। जानती है फिर क्या किया उन्होंने? क्या किया? एक फूल फेंक के मारा मेरे। कहीं जख्म वखम तो नहीं हुआ? चल कुछ भी। मल्लिका, मल्लिका। हाँ राजकुमारी। वो देखने में बिल्कुल गवाह, एकदम जंगली, लेकिन बड़े होशियार। ऐसा? मल्लिका, वो कौन है, कहाँ है, कैसे हैं, मुझे याद करते हैं या नहीं करते? मल्लिका। अरे बाप रे, अरे दैया क्या हुआ? चुपचाप लेट जाइए। अब आराम से सो जाना, समझी? Thank you.
शोर ना मचाओ। क्यों आए तुम यहाँ? जहाँ भी जाओ दुत्कार, फटकार, धिक्कार, क्या प्यार ही नहीं कहीं? खबरदार, आगे कदम बढ़ाया तो सिपाहियों को बुलाऊंगी। उन मक्खी मार सिपाहियों को? चले जाओ यहाँ से। दिल से कह रही हो? यहाँ से? दिल में कुछ और है, ज़बाँ पे कुछ और, आपकी हर अदा निराली है। खामोश, बिल्कुल तमीज नहीं। जंगली आदमी को तमीज से क्या वास्ता? अब कहो, क्या कहते हो? कह तो रहा था, मगर सुनता कौन है? ये कटार मेरी है, लाइए। मारना चाहते थे? हाँ। राजकुमारी, शर्त लगाओ। क्या? आप नहीं मार सकती। क्या? यहाँ। क्या हुआ वहाँ? दिल नहीं है यहाँ। कहाँ? वहाँ। ये लो। राजकुमारी। मैं जाता हूं। जा रहे हो? जरा सुना। कहिए। तुम्हारा नाम? विजय। विजय, अच्छा मैं चला। विजय, महाराज की जय हो। क्या शिकायत है? शिकायत नहीं सेनापति, प्रार्थना है। निवेदन करो। महाराज, मैं रामपुर निवासी आपके पुराने सेवक बलवीर सिंह का पुत्र हूं। बलवीर सिंह? जिस वीर ने अपनी जान खतरे में डालकर हमारे प्राणों की रक्षा की थी, उसी बलवीर के पुत्र हो तुम? हाँ महाराज, मेरे पिताजी ने इस कटार द्वारा आपको प्रणाम किया है और मुझे राज सेवा में रखने की प्रार्थना की है। ला कटार हमें दो युवक। होशियार, कटार है। सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर। ऐसा लगता है मैंने इसे देखा है कहीं। लीजिए महाराज। यही कटार हमने दी थी बलवीर को। क्या नाम है तुम्हारा युवक? विजय। तुम्हें कैसे मालूम बेटी? जब मैं योगीराज को लेने जा रही थी तब ये रास्ते में। ओह, रास्ते में देखा होगा। हाँ हाँ पिताजी, रास्ते में अपना परिचय दे रहे थे सेनापति को। अच्छा अच्छा, जय, तुम्हें भी अपने पिताजी की तरह वीर बनना चाहिए। सेनापति, इस युवक को अपनी सेना में रख लिया जाए। जो आज्ञा महाराज। मेरा ख्याल है राजकुमारी को बहुत पसंद है ये कटार। लीजिए, आपके महल की शोभा बढ़ाए। Thank you.
बेटा नलिनी? जी पिताजी। अभी तक सोया नहीं पिताजी? नींद ही नहीं आती बेटी। कोयल कूक रही है? हाँ हाँ पिताजी। क्या जमाना बदला है, रात में कोयल कूक रही है। कभी कभी रात में भी कूका करती है। फिर बोली? हाँ हाँ बोलने दीजिए, आप सो जाइए पिताजी। तुम हमारे पास बैठो बेटी। जी पिताजी। बेटी एक बात तो बताओ, दुनिया में सबसे मीठी आवाज किसकी होती है? कोयल की। फिर किसकी? औलाद की। माँ बाप के लिए औलाद की आवाज कोयल की आवाज से भी मीठी होती है, क्यों? ठीक है ना? हाँ हाँ जरूर। तो हमारी बिटिया रानी आज हमें एक अच्छा सा गाना सुनाएगी। गाना? अब? अभी। Yeah.
कल दिवाली है, जश्न होगा, तब Thank you.
किसे ढूंढ रही हो? तुम किसे ढूंढ रही हो? जिसे हम पते हैं, और तुम बताएंगे। हम तो जाना न जाएंगे, झुकाना हमको आता है, झुकाना हमको आता है। हटो हम रूठ जाएंगे, हटो हम रूठ जाएंगे। मनाना हमको आता है, मनाना हमको आता है। अगर हम फिर भी ना माने तो पलकों पर बिठाएंगे, तो पलकों पर बिठाएंगे। किसी से प्यार है हमको, मगर हम ना बताएंगे, मगर हम ना बताएंगे। नहीं, तू इन्हें नहीं तोड़ सकता। ये प्रेम का कच्चा धागा नहीं, लोहे की मजबूत जंजीरें हैं। शायद अब प्रेम रोग मालूम होता होगा तुम्हें। घबराओ नहीं, अभी इलाज हो जाएगा। ये प्रेम की मोहरें हैं। कितना कठोर होता है प्रेम। तू जानवर क्या जाने प्रेम की कोमलता को। फेंक दो इस कुत्ते को काल कोठरी में। इतना मारा है कमबख्तों ने। भाई साहब, क्या कसूर किया है आपने? उसने राजद्रोह किया है, हमारे विश्वास का खून किया है। ये झूठा इल्जाम है पिताजी, वो बेकसूर है, बिल्कुल बेकसूर है। हम कुछ नहीं सुनना चाहते, चली जाओ हमारे सामने से। तुमने हमारी अंधी आंखों को धोखा दिया है, अपने बाप की मजबूरी का फायदा उठाया है। ऐसा ना कहिए पिताजी। दुनिया कहेगी, राजा संग्राम सिंह की बेटी एक नीच सिपाही के लिए
राजवंश की मर्यादा मिटा रही है, संग्राम सिंह के सफेद बालों में धूल झोंक रही है, उसकी इज्जत में चार चांद लगा रही है। खूब खूब नेक नाम किया हमें, खूब बदला दिया हमारे लाड़ प्यार का। पिताजी जो कल सवेरे ही उस पापी का सर काट दिया जाएगा। पिताजी पिताजी पिताजी, मैं उनके प्राणों की भीख मांगती हूँ, उन्हें माफ कर दीजिए। अगर सजा ही देनी है तो मुझे दीजिए, मेरा कसूर है, मेरा अपराध है पिताजी। नलिनी, शर्म नहीं आती उस राजद्रोही की तरफदारी करते हुए? खबरदार जो फिर कुछ कहा, उस पाजी के लिए मौत ही उचित सजा है। पिताजी पिताजी पिताजी, क्या करूं, कैसे बचाऊं, क्या कोई उपाय नहीं? क्यों नहीं, चार दिन से बराबर चाबी भर रहा हूं इस खोपड़ी में कि बाहर कैसे निकलूं, मगर कमबख्त निकलने भी तो नहीं देते, खामखा बंद कर रखा है। अरे कोई हाथी चुराता, कोई घोड़ा चुराता तो एक बात, एक मुर्गी और वो भी इतनी सी, उसके लिए इतनी बड़ी सजा? अरे बाबा, मुर्गी चुराई किसने थी, मैंने तो सिर्फ उठाई थी और उसके लिए बंद कर रखा है। खैर कोई बात नहीं, अगर मुझे कैद खाने में बंद कर रखा है तो वो लोग भी कैद खाने में है, मगर फर्क सिर्फ इतना है कि हम लोग अंदर हैं और वो बाहर है। भैया आप खामोश क्यों हैं, आप कुछ बोलिए ना, मैं बोल बोल के थक गया। सोच रहा हूँ बाहर कैसे निकले। अच्छा सोच रहे हैं आप, क्या कहा बाहर कैसे निकलेंगे, तो जब से मैं क्या बड़बड़ कर रहा हूँ। अरे देखते नहीं ये लोगों ने आंखों में तेल डालकर खड़े रहे हैं, हाँ? हे भगवान, इनको थोड़ी देर के लिए सुला दे या तो इनको अंधा बना दे। अंधा नहीं हो सकता भैया, ऐसा मालूम होता है कि जिंदगी यहीं बसर करनी होगी अभी। ओ ओ ए, क्यों चलाते हो? जानते नहीं हम कौन है? हा, 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 हम है भैरोजती। अरे वाह, तू भैरोजती मुर्गी चोर। कौन मुर्गी चोर? तू मुर्गी चोर। तेरा भूत मुर्गी चोर, तेरा भूत मुर्गी चोर। जय भैरोजती, जय भैरोजती, प्रभु इस अज्ञानी मनुष्य पर तरस खाओ। नहीं नहीं, ये पापी है, ये सब पापी हैं, मैं इनका खून पी जाऊंगा, मैं इनको भस्म कर दूंगा। अरे खड़े खड़े देखते क्या हो, भैरोजती का क्रोध शांत करो, जल्दी पूजा की सामग्री ले आओ। ओ पूजा की सामग्री, अभी लाते हैं। हम भैरोजती हैं, भैरोजती हमारा अपमान, शांत भैरोजती शांत, सामग्री आ रही है। क्यों भैया? हमारे पाँव मच्छी हो, हटो यहाँ से, पापी नीच दुष्ट, निकलो यहाँ से। दया करो प्रभु, फल फूल स्वीकार करो, नहीं चाहिए हमें। पापी हटो, जय भाई।
दया कीजिए और जाइए। जाएंगे जाएंगे, जाने के लिए तो तैयार हो रहे हैं। पीछे हटो। जय मेरे ज्योति। पीछे हटो। जय मेरे ज्योति। प्रदक्षिणा करो। प्रदक्षिणा। आंखें बंद, आंखें बंद, आंखें बंद। भैरव जी जी चले गए, चले गए। वो देखो, अरे दोनों भागे। पकड़ो 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 पकड़ो, भागे 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 भागे। अरे बहादुर सुन, तू घोड़ों का इंतजाम कर, मैं अभी आता हूँ। ठीक है ना? ठीक है ठीक है, मैं घोड़ों का इंतजाम करूंगा। ठीक है आया। हाँ घोड़ों का इंतजाम मैं कहाँ से करूँ? अरे भैया मेरे को घोड़े बैठना नहीं आता, सुनो तो। रो नहीं राजकुमारी, मैं अभी उनकी खबर लेने जाती हूँ। कोई जरूरत नहीं। तुम आ गए, तुम बच गए। नलिनी ये क्या, पापियों ने सोने जैसे शरीर को घायल कर दिया। विजय मेरे लिए ही तुम्हें ये दुख उठाने पड़ रहे हैं। मुझे भूल जाओ विजय, मुझे भूल जाओ। तुम्हें भूल जाऊं? कैसे जिंदा रह सकता हूं मैं तुम्हें भूलकर? नलिनी मैं कैदखाने से भाग कर आया हूं, जान बचाने के लिए नहीं, सिर्फ तुम्हें देखने के लिए, तुम्हारा प्यारा मुंह देखने के लिए। नलिनी तुम्हारे कोमल हाथों का स्पर्श होते ही मेरा सारा दुख दूर हो गया। आओ। बैठो। नलिनी मेरे लिए आंसू। विजय क्यों जन्म लिया मैंने राजघराने में? अगर किसी गरीब के घर पैदा होते तो ये दो प्रेमियों को जुदा करने वाली खानदान की ऊंची दीवार खड़ी ना होती। विजय कैसे टूटेगी ये दीवार, कैसे अंत होगा इन मुसीबतों का? हाँ नलिनी हमारे मिलन का एक ही उपाय है। वो क्या? कहो। तुम्हारे पिताजी ने ऐलान किया है कि जो कोई उनकी आंखें अच्छी करेगा मुंह मांगा इनाम पाएगा। लेकिन नाग ज्योति कैसे लाओगे नागलोक से? मैं अभी जाऊंगा नागलोक और नाग ज्योति लेकर ही लौटूंगा। वहां जाना खतरे से खाली नहीं, तुम्हें कुछ हो गया तो। चिंता न करो नलिनी, मैं तुम्हारे पिताजी की आंखें अच्छी करूंगा और इनाम में तुम्हें मांगूंगा। विजय नलिनी तुम? हां मैं। कैसे आए यहां? चलकर इन पैरों से। अब ये पैर बाहर नहीं जा सकते। Thank you.
अच्छा नलनी, मुझे विदा दो। जल्दी जाओ विजय, जल्दी जाओ। कितनी मुसीबत है। विजय भैया, ये बड़ी अच्छी जगह है सोने के लिए, आओ। नहीं नहीं विजय भैया, एक बात है, डाकू चक्के ने गला दबा दिया तो कोई पूछने वाला नहीं जंगल बियाबान में। ये भाई जगत माता, कुछ ऐसी दया करो कि खाना भी ना पड़े और पेट भी भर जाए। मेरा मतलब है कि भटकना भी ना पड़े और नाग ज्योति भी मिल जाए। क्यों क्यों विजय भैया, विजय भैया, कहते हैं नाग लोक में सांप रहते हैं, क्या ये बात सच है? बापरे बापरे, कहीं और से नहीं मिल सकती है नाग ज्योति? नहीं, वो क्या मुर्गी है जो कहीं से भी उठा लाओ? अरे जान का खतरा तो नहीं है मुर्गी लाने में? अजीब मुसीबत है, जिस लोक का रास्ता मालूम नहीं वहां पहुंचेंगे कैसे? विजय भैया, नाग ज्योति के चक्कर में कहीं अपना ही चक्कर ना हो जाए। मेरा मतलब है अपनी जीवन ज्योति ना बुझ जाए। मेरा कहा मानो तो दिन निकलते ही यहाँ से भाग चले। सोजा सोजा, कभी इन ख्यालों में तू यहीं ना मर जाए। यहाँ नहीं, मरना तो नागलोक में जाके है। भगवान, सो रहा हूँ लेकिन सुबह मेरी आँख खोल देना भगवान। पुत्री, क्या मुसीबत है, सोने नहीं देता। अरे पुत्री, सपना देखा है क्या? भगवान कसम सपना नहीं, जाग रहा हूँ पुत्री। देखो Thank you.
इतने दिन बाद आई है कब्जे में, आज नहीं बच सकती। खबरदार जी, मुझे हाथ लगाया। पापी पापी, विजय भैया, ये आप नेवला, चुप आप चुप। देवी, कौन हो तुम? अंधेरी रात में यहाँ आने का कारण? मैं नागरानी की दासी नागकन्या। वो देखो, उस गुफा में पातालेश्वर की पिंडी है। नागरानी हर साल यहाँ पूजा करने आया करती है। मैं उनकी आज्ञा से इस गुफा की रक्षा करने के लिए यही रहा करती हूँ। मैं देवी के दर्शन करने आई थी, ये राक्षस मेरे पीछे पर रहा था। अगर तुम यहाँ ना आते तो वो जरूर मेरी जान ले लेता। बड़ा उपकार किया तुमने मुझ पर, कैसे चुकाऊं इस उपकार का बदला? भैया, इसी से क्यों नहीं मांगे नाग ज्योति? देवी, हमें नाग ज्योति चाहिए, सिर्फ नाग ज्योति, और कुछ नहीं चाहिए हमें। नाग ज्योति? क्या तुम भी नहीं जानती? बहुत कठिन है उसे पाना। अरे ये तो हम भी जानते हैं। देवी, कैसी मिल सकती है नाग ज्योति? उसे पाने के लिए नागलोक जाना पड़ेगा। ओ नाग, और नागरानी अपनी जान से ज्यादा संभाल कर रखती है उसे, बहुत कठिन है उसका मिलना। ओ भैया, नागरानी के पास ही रहने दो नाग ज्योति, चलो अपन घर चले। अरे जान बची ना खो पाए, लौट के बुद्धू घर को आए। चलो चुप। देवी, सिर्फ नागलोक का रास्ता बता दो हमें। तुमने मेरे प्राणों की रक्षा की है, मैं सब कुछ करूंगी तुम्हारे लिए। हाँ, ये लो अंगूठी, इसे पहनकर जाने से पातालेश्वर तालाब का पानी पीछे हट जाएगा, वही रास्ता है नागलोक में जाने का। ठीक है भैया, ठीक है, तुम जाओ नागलोक में और मैं यहाँ मंदिर में लेटूंगा। हाँ, ये लो तुम भी। नहीं नहीं, मुझे नहीं। आप क्यों तकलीफ कर रही है? यहाँ का पानी बहुत अच्छा है, हवा बहुत अच्छी है। नहीं नहीं, तुम भी ले लो। जबरदस्ती कर रही हैं आप तो मैं ले लूंगा। सोने की है? अरे सोने की अंगूठी है भैया, काम आएगी। अच्छा नमस्ते। हाँ, ये किसी को न बताना कि तुम नाग ज्योति लेने आए हो, अगर नागरानी को मालूम हो गया तो जान की खैर नहीं। बाप रे, जान की खैर नहीं? भैया किसी से कहना नहीं। हाँ अच्छा, मैं जाती हूँ। हाँ। चलो नागलोक चले। चलो बहादुर, सांप के काटने से मरना लिखा है तेरे भाग में, तो भगवान की इच्छा। चलो Thank you.
नागी, कौन सी दुनिया में है? नागलोक में देवी। इस तरह क्यों देख रही है मुझे? आंखें नहीं हटती आपके चेहरे से। ओह, इतनी सुंदर हूं मैं? ये भी कोई पूछने की बात है? नागरानी ही सुंदरता की रानी है। मनुष्य सुरंग के रास्ते से? नागी आओ, देखिए कौन मनुष्य आ रहे हैं। जल के दर्शन, थल के दर्शन, नागलोक के सच्चे दर्शन, दिखा कौन मनुष्य आ रहे हैं नागलोक में। कितना सुंदर है, कितना अच्छा डील डॉल है, कितना प्यारा रंग रूप है, और वो अगला आदमी भी तो कुछ कम नहीं। मुझे ख्याल भी न था कि मनुष्य इतना खूबसूरत हो सकता है। नागी, कैसे उन्हें लाया जाए यहाँ? यही तो मैं भी सोच रही हूँ। वो उपाय मुझे भी तो बता दीजिए देवी। लोग
कौन हो तुम? प्यार से भी तो पूछ सकते हैं। कौन लाया मुझे यहाँ? जिस पर नाराज हो रहे हैं। मैं पूछता हूँ कौन हो तुम? नागरानी। घबराइए नहीं, आप सुरंग में बेहोश पड़े थे, मैं आपको यहां ले आई। यकीन नहीं होता। रानी। कहिए। माफ कीजिए, न जाने मेरा दोस्त। ओह, दोस्त की याद आ रही है। चलिए देखें। दोस्त का नाम? बहादुर। बहादुर? जल के दर्शन, थल के दर्शन, नागलोक के सच्चे दर्पण। बता, बहादुर कहाँ है? देखा, कितना मजे में है आपका दोस्त। हाँ हाँ, बड़ा अजीब शीशा है। देख चुके? क्या ये सब बातों का जवाब दे सकता है? हाँ, आपको और कुछ पूछना है? नहीं नहीं, कुछ नहीं, वैसे ही पूछ रहा था। ओ, ये हर एक सवाल का जवाब दे सकता है। बस इधर आइए। बैठी। एक बात पूछो, नाराज नहीं होना। शादी हो गई? किसकी? कितने भोले हैं। ओह, मेरी अभी तक नहीं हुई। यही सोचा था मैंने भी। मेरी तरफ देखिए। एक स्त्री की आंखों से आंखें नहीं मिला सकते। रानी, मैं जाता हूं। आपकी मर्जी। अभी तक नहीं गए? रानी, नाज हो गई। आप जब तक चाहे मेरे मेहमान बनकर रह सकते हैं। बड़ी मेहरबानी आपकी। मिल गए तरकीब, नाग ज्योति मिल गई भैया। क्या तरकीब मिल गई? अरे वो जादू का शीशा है ना, अरे वो तो सब कुछ बता देता है। हम लोग उस जादू के शीशे से पूछेंगे कि नाग ज्योति कहाँ है। लेकिन बहादुर, उस शीशे से पूछेंगे कैसे? नागरानी हर वक्त वहीं रहती है। भैया, अरे वो तुम पर जान देती है, तुमसे प्रेम करती है। अरे तुम भी प्रेम का आग छेड़ो और उसको दूर हटा के अपना काम कर दो, समझे? भैया बहुत भूख लगी है, मैं जरा भोजन का प्रबंध करूँ। ऐसा ही करना होगा।
जा, हाथों में हाथ मेरा ले ले, फूलों के मेले हम हैं अकेले, फूलों के मेले हम हैं अकेले, आ भी जा, आ भी जा, हाथों में हाथ मेरा ले ले, फूलों के मेले हम हैं अकेले। नहीं दूंगा। दीजिए ना। लीजिए ना। दे दो लो। अरे ये क्या किया तुमने? क्या हुआ? ये तो मामूली चीज है। मामूली चीज है? तुम नहीं जानती। निकालो पानी में से, निकालो ना। मुझे तैरना नहीं आता। नहीं आता? बड़े शैतान हो। हाँ, पानी में गिरना चाहती हो? उसे निकालना ही पड़ेगा। छोड़ दो। नहीं छोड़ूंगा। छोड़ दो ना, छोड़ दो, छोड़ दो मेरे हाथ। Thank you.
जल के दर्शन, फल के दर्शन, नागलोक के सच्चे दर्पण। देखा नाग ज्योति कहाँ है? जल के दर्शन, फल के दर्शन, नागलोक के सच्चे दर्पण, बता वहां कैसे पहुंचे? जियो राजा। विजय, पुरुषों का मन बड़ा कपटी होता है, चुपचाप खिसकाए वहां से। कहां कहां ढूंढा तुम्हें विजय, मुझे वहां अकेली छोड़कर चले आए। अब तो ऐसे नहीं करोगे ना? नहीं रानी। कहां चले? कितना एकांत है, कितना खुशी का अवसर है। तुम और मैं, विजय, विजय मेरे पास रूप है, सौंदर्य है, शक्ति है, सब कुछ है मेरे पास। मैं रानी हूं, नागलोक की रानी, और तुम मेरे हृदय के राजा हो विजय। विजय, इस रूप से मैं किसे नहीं जीत सकती विजय। खाकर भूले बातें अगली पिछली, बातें अगली पिछली, अरे इंगली मुंगली में सुख असली, दुनिया के सुख नकली रे, हाय दुनिया के। नगी नगी, अरे भैया भैया, ये बात भैया भैया, एक बात बताना, मैं सर के बल चलता हूँ या पांव के बल चल रहा हूँ? बहादुर, तू यहाँ नशा करने आया है या नाग ज्योति लेने? नाग ज्योति लेने आया? नाग ज्योति भैया, नाग ज्योति नहीं लाए तुम? पागल, उसे दिल लगी है, अपने द्वार से जाना पड़ेगा उसे लेने। बस इतनी सी बात? वो द्वार हमेशा बंद रहता है और उसकी चाबी नागरानी के गले के हार में लटकी रहती है, समझे? नागरानी के गले के हार में लटकी रहती है? हाँ हाँ। तो फिर कोई तरकीब लड़ानी चाहिए, यहाँ लड़ानी चाहिए भैया, घबराओ नहीं। भैया आता है ना तो आसमान पे बगैर पंख के चलने शुरू कर देता है, और ये जो खाता है तो बगैर पांव के जमीन पे चलना शुरू कर देता है। भैया तुम ये नागरानी को खिलाओ, अभी जो है ना चाबी उसको गले निकाल लेना, अपना काम हो गया, समझे ना? जियो राजा। रानी एक और बस, एक और मेरे लिए। तुम्हारे लिए? हाँ। विजय,
होगी हमारी शादी? बहुत जल्दी। बहुत जल्दी? जी। कितने अच्छे हो तुम। बहादुर ये देखो नाग ज्योति मिल गई। नाग ज्योति? अरे भैया ढक्कन खुलते ही जलने लग गई। भैया रोशनी कम होती जा रही है, जल्दी बंद कर दो कहीं बुझ ना जाए। बहादुर चलो चल
नाग ज्योति भैया, नाग ज्योति होगा तुम्हें कि मैं इस वक्त यहां पहुंच जाऊंगी। क्यों क्यों बोलते क्यों नहीं? प्रेम के प्यारे प्यारे गीत गाने वाला मुंह बंद क्यों हो गया? अपने सारे मंसूबे मिट्टी में मिल गए इसलिए खामोश हो? मुद्दे के साथ चोरी पकड़ी गई इसलिए शर्मिंदा हो? रानी जरा मेरी बात सुनो। है तुम्हारा मुंह कुछ कहने के लिए? क्या तुम समझते हो मैं फिर तुम्हारी मीठी मीठी बातों में आ जाऊंगी? धोखेबाज, मैं तुझे हृदय से प्रेम करती थी। अगर तू एक बार भी मुंह से कह देता तो मैं हजारों नाग ज्योति तेरे चरणों में चढ़ा देती। तेरी एक मुस्कुराहट पर नाग ज्योति क्या सारा नागलोक उछाल कर देती। रानी, मैं नाग ज्योति चुराने का अपराध क्षमा कर सकती हूँ, लेकिन तूने मेरे साथ जो विश्वासघात किया है उसे कभी क्षमा नहीं कर सकती। उसकी सजा मिलनी चाहिए तुझे। रानी, नीच मनुष्य सुन, तेरी जिन रसीली आंखों ने मुझे पागल बना दिया था, तेरी वो आंखें मुर्दे की आंखों की तरह निस्तेज हो जाएंगी। तेरे जिन बलवान कंधों ने मेरे मन को सहारा दिया था, तेरे वो कंधे टूटे हुए पेड़ की तरह झुक जाएंगे। तेरी विशाल छाती ने मेरी आशा को आसरा दिया था, तेरी वो छाती सूखे हुए पत्ते की तरह सिकुड़ जाएगी। तेरे जिस सुंदर शरीर ने मुझे दासी बना लिया था, तेरा वो शरीर पिशाच की तरह भयानक हो जाएगा, विद्रूप हो जाएगा। रानी, ये क्या रानी? ये तूने प्रेम का जो नाटक खेला था उसका इनाम कैसा है? रानी, तुम मेरी जान ले लेती तो अच्छा होता। ये सूरत को लेकर कहां जाऊं? मुझे मार दो रानी, मुझे मार दो। नहीं, मौत तेरे लिए सुख है, शांति है, तुझे जिंदा ही रहना चाहिए। क्या मैं जिंदगी भर इसी हालत में रहूंगा? क्या मुझे इस श्राप से कभी भी मुक्ति नहीं मिलेगी? मुक्ति? बताती हूं, ये देख, इस मणि में तेरी सुंदरता रखी हुई है। मैं इसे पतालेश्वर की पिंडी के पास जलहरी में रखूंगी। अधम मनुष्य सुन, अगर कोई सभी गुणों वाली कुलीन कन्या अपनी इच्छा से तुझसे शादी करे, उससे तेरे जो लड़का होगा उसके हाथ में इस नाग ज्योति को देकर पाताल गुफा में भेजना चाहिए। नाग ज्योति की रोशनी से गुफा का दरवाजा खुल जाएगा। अगर तेरा लड़का अकेला गुफा में जाकर इस मणि को लाए और तेरे सामने तोड़े, तभी तेरी सुंदरता वापस मिल सकती है, लेकिन एक शर्त है। कहो रानी। नाग ज्योति का तेज खत्म होने से पहले ही उस बालक को गुफा से बाहर आ जाना चाहिए। अगर वो बुझ गई
तो गुफा का द्वार अपने आप बंद हो जाएगा। हाँ, एक और शर्त है। वो क्या? ये सब 5 साल के अंदर अंदर होना चाहिए। अगर न हुआ तो एक नाग प्रकट होगा और सूरज के डूबते ही तुझे टस लेगा। बस बस, ये तो मैं यौन कर डालूंगा। मेरी नलनी मेरा साथ कभी नहीं छोड़ेगी। ये बात, इतना सरल काम नहीं है ये। सुन, तुझे ये किसी से भी नहीं कहना चाहिए कि तू कौन है। अगर तूने भूल कर भी किसी से कहा तो तेरे सिर के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। सावधान। रानी, मुझे ये किसी से भी नहीं कहना चाहिए कि मैं विजय हूं। नलनी से भी नहीं, किसी से भी नहीं। विजय भैया, विजय भैया, ये सब इसी नाग ज्योति की मेहरबानी है। विजय भैया, भाई साहब, नागी, नागी यहाँ आओ। अच्छा हुआ तुम आ गई नागी, दरवाजा खोलो। अरे तुम यहाँ, यहाँ क्या कर रहे हो? झक मार रहा हूँ, घास खोद रहा हूँ। बहुत अच्छा, खोदते रहो, मैं चल। नागी, यहाँ मरने से तो तुम्हारे साथ ही मरना अच्छा है। नागी, दरवाजा खोलो। अच्छा, पहले वचन दो। वचन? वचन कैसा? मुझसे शादी करने का। ओ शादी? हैं? कुएं में से निकालने के बहाने खाई में डालना चाहती है। अच्छा कोई बात नहीं, मेरी बात काली रात ला हाथ और ले वचन। हाँ, आप हुए सीधे। जरा भाई साहब को घुमाना तो। भाई साहब अब तो घूमेंगे ना। ओ, चलो। ओ, जान बची लाखों पाए। नागी, इस तेरे उपकार को मैं तेरे मरने तक नहीं भूलूंगा। अच्छा मैं जाता हूँ। उधर कहाँ चले मेरे राजा? उधर नहीं, इधर। ओ, लाखों बरस जियो मेरी नागी। यह पृथ्वीलोक का रास्ता? पृथ्वीलोक का नहीं रसिया, मेरे घर का। ओ, तेरे? हाँ, तेरे घर का? हाँ हाँ बहादुर, आ मेरे साथ। भैया कहाँ चले गए भैया मुझे छोड़कर? कहीं पृथ्वीलोक तो नहीं चला गया? पृथ्वीलोक, पृथ्वीलोक क्या रखा है वहाँ? तुम क्या जानो। कौन है भाई? चले आओ, चले अपनी सूरत तो देख, मुझे कहता आओ चले। कबीला कहीं का? मैं अपने भैया को ढूंढ रहा हूँ, ये शैतान कहाँ से हटपका? किसी ने खूब कहा है कि मुसीबत आती है तो चारों तरफ से आती है। यहाँ खड़े खड़े क्या बकबक कर रहे हैं? चलो जहाँ चुप है जमीन और ये आ
तुम का अंधेरा यूं छा गया, दिल जिंदगी से घबरा गया। हो जाने वाले तेरी कसम, हो जा लबों पर दम आ गया। पथरा चली है आंखें मेरी, रुकने लगी है मेरी जुबान। तू है कहाँ, तू है कहाँ, तू है महाराज की जय हो। आप ही आए हैं ना इलाज करने? जी। आज्ञा दीजिए महाराज। हमारी आंखों का इलाज? अच्छा, आज्ञा है। चलिए। ऐसे ही बैठे रहिए महाराज, नाग ज्योति का प्रकाश पड़ने दीजिए हमको। नाग ज्योति, नाग ज्योति, नाग ज्योति, नाग ज्योति। राजकुमारी, राजकुमारी, ये घर में नाग ज्योति लेकर। नाग ज्योति, नाग ज्योति। हमारी आंखें आ गई, हमारी आंखें आ गई, हमारी आंखें आ गई। महामंत्री, सेनापति, राज के प्रतिनिधि, हमें सब दिखाई दे रहे हैं, हम सब कुछ देख रहे हैं। हमारी गई हुई दृष्टि वापस आ गई, गई हुई दृष्टि वापस आ गई। पिताजी, नंदी, हमारी आंखें लौट आई बेटी, अपनी आंखों की पुत्री को देखने के लिए हमारी आंखों में रोशनी आ गई है। पिताजी, आज मेरे जीवन का सुनहरा दिन है, भगवान ने मेरी प्रार्थना सुन ली। पिताजी, कितने वर्षों के बाद देख रहे हैं अपनी बच्ची को, कितनी बड़ी हो गई है हमारी लाडली। अब तुम्हारे योग्य वर ढूंढना ही हमारा पहला कर्तव्य होगा। परमेश्वर ने तुम्हें दुल्हन के रूप में देखने के लिए ही हमें आंखें लौटा दी। हमारी गुणवान बेटी के लिए, हमारी सुंदर राजकुमारी के लिए गुणवान और सुंदर राजकुमार चाहिए। वो कहाँ है? नाग ज्योति लाने वाले कहाँ है? हम आंखें पाने की खुशी में आंखें देने वाले को तो भूल ही गए। कहाँ है वो? कहाँ है? कह दिए महाशय। आप ऐसे ही क्यों चले जा रहे हैं? नाग ज्योति लाने वाले आप हैं? आप बिना कुछ मांगे चले जा रहे हैं। हमने ऐलान किया था कि हमारी आंखें अच्छी करने वाला मुंह मांगा इनाम पाएगा। कहिए, क्या चाहिए आपको? महाराज, मेरी वो देखी
मैं अपाहिज हूं। जीवन के संग्राम में सब कुछ खो बैठा हूं। सुंदरता, सुख, शांति सब कुछ हारकर मनुष्य होते हुए भी पिशाच बनकर घूम रहा हूं। मुझ जैसा आदमी किस चीज की इच्छा कर सकता है? कौन सी वस्तु सुख दे सकती है मुझे संसार में? मुझे एक ही चीज की आवश्यकता है, सिर्फ एक चीज की। तो वही चीज मांगिए। मौत, राजकुमार, मौत। ऐसा ना कहिए। क्यों मरना चाहते हैं आप? मिल गया, मुझे इनाम मिल गया। ये अनजान के लिए, मुझ जैसे बदनसीब के लिए, राजकुमारी की आंखों से निकले हुए हमदर्दी के आंसू मोती है, अमूल्य रत्न है, यही बहुत है मेरे। मुझे आज्ञा दीजिए महाराज। सुनिए, आपने मेरे पिताजी को नहीं रोशनी दी, क्या हम आपके जीवन को किसी भी तरह रोशन नहीं कर सकते? मांगी, जो चाहे मांगी। क्या मांगू, समझ में नहीं आता क्या मांगू। जो आपकी इच्छा हो, हमारा महल, खजाना, राज, बोलिए कौन सी वस्तु चाहिए आपको? ये मुझे कुछ नहीं चाहिए महाराज, मुझे। हाँ कहिए। मुझे चाहिए। हाँ हाँ बोलिए। आपकी बेटी। क्या कहा? कमीने, तेरी ये हिम्मत, तूने राजकुमारी को नहीं मौत को मांगा है। सेनापति, उपकार का बदला तलवार नहीं। तुम्हें ऐसा कोई भी काम नहीं करना चाहिए जिससे हमारे नाम और कुल को कलंक लगे। महाशय, हम जिस चीज को नहीं दे सकते, आपने उसी को मांगकर हमें धर्म संकट में डाल दिया है। आप हमें एक आंख देकर दूसरी आंख मांग रहे हैं। महाशय, सोना मांगिए मगर इस सोने की पुतली को न मांगिए। मोती मांगिए मगर हमारी आंखों के मोती को न मांगिए। हम अपने प्राण दे सकते हैं, मांगिए मगर प्राणों से भी प्यारी इस बच्ची को न मांगिए। ठीक है, मैंने जो मांगा आप दे नहीं सकते और मैं हट कर नहीं सकता। महाराज, जाता हूं। ठीक है, अगर हम अपने वचन का पालन न करें तो हमारी बदनामी होगी, मगर हम आपकी मांग पूरी नहीं कर सकते। मां बाप संतान के लिए अपने आप को बलिदान कर देते हैं, अपने लिए संतान को नहीं। आपने हमें आंखें दी है, इस अधिकार से आप मनचाही वस्तु मांग रहे हैं और हम उसे देने के लिए लाचार। नहीं चाहिए ये आंखें, हमें नहीं चाहिए, इन पर हमारा कोई अधिकार नहीं। हम अपने वचन से मुक्त होना चाहते हैं। अभी इन आंखों को हम छोड़ेंगे। छोड़ो बेटी, ये क्या सोचा आपने? मेरे लिए आंखें फोड़ना चाहते हैं, मेरे लिए अपने सुख का बलिदान करना चाहते हैं। पिताजी, क्या मैं आपको अंधेरे में डालकर उजाले में रहना पसंद करूंगी? आप दीवारों से टकराई और मैं किसी सुंदर पुरुष के हाथों का सहारा लेकर चलूं? ये कैसे हो सकता है पिताजी, ये कैसे हो सकता है पिताजी? Thank you.
आप मुझसे शादी करना चाहते हैं ना? मैं राजी हूँ। रानी देवी, ये तुमने क्या कह दिया? तुमने हमारे सर पर बिजली गिरा दी, अपने गले में तुमने अपने हाथों से फांसी लगा दी। इस कुरूप के साथ शादी बर्बादी है, तुम्हारे जीवन की बर्बादी। ये तुमने क्या किया बेटी, ये तुमने क्या किया, क्या किया? मुझे माफ करना बेटी, मुझे माफ करना। आनंद, आनंद, कितना प्यारा अवसर है, कितना सुहाना दृश्य है। देखिए महाराज, नई आंखों से गौर से देखिए, कितना सुंदर है आपका जमाई। सेनापति, मैं जिस आशा को लेकर आपकी सेवा कर रहा था, मेरी वो आशा इस हवन कुंड में जल रही है। सेनापति, क्षमा महाराज, मैं राजकुमारी को पाने की इच्छा से आपकी सेवा कर रहा था। वीरशैल, लेकिन अब मैं अपना जीवन बर्बाद करना नहीं चाहता, मुझे मुक्त कीजिए। सेनापति, मुझे आज्ञा दीजिए महाराज। पिताजी, मुझे आशीर्वाद दीजिए। अटल सौभाग्यवती हो। मुझे आशीर्वाद दीजिए पिताजी। आशीर्वाद तुझे? पिताजी, तूने आंखों का इलाज करने के बहाने हमारी अंधी आंखों की ज्योति छीन ली, अमृत कहकर जहर पिलाया तूने हमें, हमारा कुल मान मर्यादा सब कुछ धूल में मिला दिया। अगर तुझमें जरा सी भी दया होती तो ये अन्याय करता तू? पिताजी, देख किस हालत को पहुंचा दिया तूने इसे, क्या दुर्दशा कर दी है। पिताजी, नीच, तुझमें हमारी बेटी की ओर देखने तक की योग्यता नहीं, इसकी छाया को छूने तक की लियाकत नहीं। पिताजी, राक्षस आशीर्वाद मांगता है, ले आशीर्वाद। ये क्या पिताजी, इस शुभ घड़ी में इनके माथे पर रोली का टीका लगाने के बजाय खून का टीका लगा दिया आपने। सिर झुकाकर प्रणाम करते हुए जवाई को ठोकर मार दिया आपने। क्या यही कर्तव्य है आपका, यही रिवाज है आपके खानदान का? चुप रहो नलिनी। आपने इनके ठोकर नहीं मारी, मेरे ठोकर मारी। आशीर्वाद के लिए इन्हें नहीं मना किया, मुझे मना किया। कि आप कैसे भूल गए कि अगर ये जिंदा है तो मैं जिंदा हूं, अगर ये सुखी है तो मैं सुखी हूं। मेरी जिन आंखों में पानी देखकर आपका दिल भराया करता था, आज उन्हीं आंखों से खून बहा दिया आपने। क्या कसूर था इनका? नाग ज्योति लाए ये कसूर था? आपकी अंधी आंखों को रोशनी दी ये कसूर था? आपके हजार बार कहने पर अपनी इच्छा प्रकट की यह कसूर था? किस कसूर से आपने लात मारी इनके? नलिनी, होश में आओ, जानती हो किससे बातें कर रही हो तुम? जानती हूँ, अपनी बेटी के सुहाग को ठुकराने वाले बाप से।
शर्म नहीं आती? जिसने अपनी आंखों की पुतली की तरह तुम्हारी रक्षा की है, जिसके हर एक सांस से तुम्हारी भलाई की पुकार निकल रही है, उस पाप का सामना करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? इस कल आए हुए पिशाच के लिए हमारा मुकाबला, जब बाप का कोई अधिकार नहीं है इसके सामने? कुमारी लड़की पर माँ बाप का अधिकार होता है और शादी के बाद सिर्फ पति का अधिकार रह जाता है। वो पति के इशारे पर चलती है, पति की आज्ञा का पालन करती है, चाहे वो अमीर हो, गरीब हो, सुंदर हो, कुरूप हो, उसी की पूजा करती है। माँ बाप के घर को भूलकर पति के घर को अपना घर मानती है। पति की रक्षा के लिए सावित्री बनकर यमराज से झगड़ती है, पति के लिए सीता बनकर वनवास के दुख उठाती है। यही नारी का धर्म है। पतिव्रता नारी के लिए पति ही प्रत्यक्ष देवता है। उसके पति का अपमान करने वाला पिता ही नहीं, भगवान भी उसका दुश्मन है। खामोश, चुप रहो नरनी। जिसे भगवान टुकरा देते हैं उसे दुनिया टुकराया करती है। मैं अब यहां नहीं ठहरूंगा नरनी। जहां मेरा अपमान हुआ है वहां नहीं रह सकता। क्या मेरे साथ चलोगी? थे वही मेरा धर्म है। जिस राज सुख को आप नहीं भोग सकते वो मेरे लिए जलते हुए अंगारों के समान है। चलिए, आप जहां कहें मैं चलने को तैयार हूं। चलो नन्ही, जहां मनुष्य के हृदय में मनुष्य के लिए प्रेम नहीं, सम्मान नहीं, वहां से दूर, इस दुनिया से कहीं दूर। कर भी न देख सुहागन महलों की ये शान, इस दुनिया में अब तेरा बस पति ही है भगवान। उधर चली जा जानकी, जिधर चले तेरे राम, छोड़ना अपना रास्ता, ले हिम्मत से काम जानकी, ले हिम्मत से काम। उधर चली जा जानकी, जिधर चले तेरे राम, छोड़ना अपना रास्ता, ले हिम्मत से काम जानकी, ले हिम्मत से काम। भारत की संतान है तू सावित्री का रूप, भारत की संतान है तू सावित्री का रूप, सीता बनकर सहती जाना बन बन की तू धूप। हंसते हंसते लड़ती जा तू जीवन का संग्राम, छोड़ना अपना रास्ता, ले हिम्मत से काम जानकी, ले हिम्मत से काम। पतिव्रता तेरे तेज के आगे सूरज भी शर्माए, पतिव्रता तेरे तेज के आगे सूरज भी शर्माए, तेरे एक इशारे से ये बादल जल बरसाए, तेरे एक इशारे से ये बादल जल बरसाए,
तेरे जैसी सतियों से ही भारत का है नाम। छोड़ना अपना रास्ता, ले हिम्मत से काम, जानकी ले हिम्मत से काम। पति कहे तो फूल छोड़ कर कांटे गले लगा ले, पति कहे तो फूल छोड़ कर कांटे गले लगा ले, प्रीतम के चरणों में अपना तू संसार बसा ले, प्रीतम के चरणों में अपना तू संसार बसा ले, कुटिया में भी तुझे मिलेगा महलों का आराम। छोड़ना अपना रास्ता, ले हिम्मत से काम, जानकी ले हिम्मत से काम। उधर चली जा जानकी, जिधर चले तेरे राम। छोड़ना अपना रास्ता, ले हिम्मत से काम, जानकी ले हिम्मत से काम। हाथ में इस नाग ज्योति को देखकर पाताल गुफा में भेजना चाहिए। डाली डाली
बीत गए, अभी तक उसका पता नहीं लगा सके। कहाँ है मेरी नंदिनी, कहाँ है मेरी बेटी? विक्रम, तुम खुद सिपाही लेकर जाओ और जल्द राजकुमारी का पता लगाओ। जो आज्ञा महामंत्री। बेटी, मैंने तुम पर कैसे प्रायश्चित होगा इस पाप का? बेटी, नलिनी, मेरी बेटी। नलिनी, राजा कहाँ? अभी तो यही था। राजा, राजा आया। माँ, ये रस्सी किस लिए बेटा? मैं भी जाऊंगा पिताजी के साथ काम करने। काम करने? नहीं, तुझे जाने की जरूरत नहीं। मैं भी जाऊंगा पिताजी के साथ। कोई बात नहीं, आने दो। मैं आप उस कुरूप आदमी से तंग आ गई, उससे नफरत करती हैं। उनसे नहीं, खुद से नफरत करती हूँ। कमीने, कितने सुंदर हैं वो। चला जा मेरे सामने से। राजकुमारी, फिर सोचो, मेरे साथ चलने में ही तुम्हारी भलाई है, कल्याण है। बोलो, मेरे साथ चलोगी? भाग नहीं सकती, मगर के मुंह से बचना आसान नहीं। अन्यायी, भगवान तुझे कभी नहीं माफ कर सकते। तुम्हारे भगवान ने ही मुझे तुम्हारे पास भेजा है। छोड़ दे मुझे, कहीं नहीं जा सकती मुझसे बचकर। तू मेरी मां को बताता था, मैं तेरा साथ छोड़ दूंगा। काया, एक अकेली औरत को अपनी बहादुरी दिखा रहा है। अगर जान प्यारी है तो चला जा यहां से। राजकुमारी, चलो महाराज को खबर दे। एक नाग प्रकट होगा और सूरज के डूबते ही तुझे डस लेगा। क्या 5 साल पूरे हो गए? नलिनी, मारो नहीं से, ये मरने नहीं, मुझे मारने आया है। क्या कहा? मारने आया है? क्यों? कहिए क्या बात है? कैसे कहूं नलिनी, आज सूरज छुपते ही आ गई, आ गई। क्या हुआ माँ, रो क्यों रही हो? सांप को देखकर डर गई हो? मैं अभी मार ले देती हूं। राजा, मेरे लाल, कहीं कैसे पड़ गई इस मुसीबत में? क्या इससे बचने का कोई उपाय नहीं? बताइए, जल्दी बताइए। नहीं नलिनी, ये ना पूछो मुझसे, मुझे मरना ही होगा। ऐसा ना कहिए, मैं आपके बिना कैसे जिंदा रह सकती हूँ? मैं अपना सुहाग लूटने से पहले ही मर जाऊंगी, ये सांप पहले मुझे काटेगा। नलिनी माँ, बताता हूँ नलिनी, बताता हूँ। बताइए, जल्दी बताइए। ये एक शाप का नतीजा है। शाप? इस संकट से बचने का एक ही उपाय है। वो क्या? बताइए। अगर हमारा बच्चा
हमारा प्यारा राजा पाताल गुफा में अकेला जाए और वहां पातालेश्वर की पिंडी के पास जलेरी में रखी हुई मणि को लाकर मेरे सामने तोड़े, तभी ये मुझे जिंदा छोड़ सकता है। बस इतनी सी बात, मैं अभी लाकर चलूंगा उस मणि। मेरा राजा, मैं जाती हूँ राजा के साथ। नल्ली, उस संदूक में एक थैली है, जरा उसे ले आओ। लो, इसमें नाग ज्योति है, इसका प्रकाश पड़ते ही गुफा का दरवाजा खुल जाएगा। हाँ नल्ली, इसका तेज खत्म होने से पहले ही राजा को गुफा से बाहर आ जाना चाहिए, वरना गुफा का दरवाजा बंद हो जाएगा। बस इतना ही, मैं क्या पूछ रहा था, पहले ही जा जाऊंगा। मेरे लाल, चिंता ना कीजिए, मेरा राजा इस काम को जरूर पूरा करेगा। आओ बेटा, आओ राजा। देखने वाले में समय ना बिताना। अच्छा माँ, इसके भुजने से पहले ही मणि को लेकर लौट आना, समझे बेटा? समझा माँ, रो नहीं माँ, मैं अभी ले आता हूँ। मेरे लाल, मेरे बच्चे, जाओ Thank you.
आओ बेटा, जल्दी बाहर आओ। राजा! कैसे बचाऊं तुम्हें बेटे, कैसे जिंदा रहूंगी मैं तुम्हारे बिना? भाई मैं क्या करूं? राजा गुफा के अंदर रह गया, मेरा राजा गुफा के अंदर रह गया। नानी, कैसे बचाऊं राजा को? राजा, घबराओ नहीं नानी, इस संकट से बचने का एक और उपाय है। कौन सा उपाय? बताइए, जल्दी बताइए। लो, इस अंगूठी को पहन लो। पातालेश्वर तालाब का पानी तुम्हें नागलोक में जाने के लिए रास्ता दे देगा। नागलोक में जाओ, नागरानी से प्रार्थना करो, उसकी खुशामद करो, जैसे भी हो उसे दूसरी नाग ज्योति ले आओ। सिर्फ नाग ज्योति ही राजा को और मुझे इस संकट से बचा सकती है। जल्दी जाओ, जल्दी जाओ। नागरानी, देवी, मेरा सुहाग लुट रहा है, मेरी गोद सूनी हो रही है, मेरे पति की रक्षा करो, मेरे बच्चे पर दया करो। मैं तुम्हारे शरण आई हूँ, मुझे नाग ज्योति देने की कृपा करो, उपकार करो देवी। उपकार? जिसने मेरे प्रेम को ठुकरा दिया उस पर उपकार करूं? जिसने मुझे धोखा देकर चोरी की उस पर दया करूं? नागरानी ने ईंट का जवाब पत्थर से देना सीखा है, फूलों से नहीं। देवी, मैं कुछ नहीं समझी, देर न करो, मैं तुम्हारी दया का सहारा लेकर आई हूँ, मुझे निराश न करो देवी। नहीं, नाग ज्योति हरगिज नहीं दूंगी, उस पापी की सांप के डसने से मौत होनी ही चाहिए। देवी, उस गुफा में तुम्हारे बच्चे को भूख से तड़प तड़प कर मरना ही चाहिए। देवी, तभी मेरा क्रोध शांत होगा, तभी मेरे दिल को आराम होगा। देवी, 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 अगर आप मुझे इस तरह ठुकरा देंगे तो मैं कहाँ जाऊंगी, क्या करूंगी, कैसे बचाऊंगी अपने पति और बच्चे को? देवी, अगर आप मेरी सहायता नहीं करेंगे तो मैं इन्हीं करणों में रो रो कर प्राण दे दूंगी। देवी, आंसुओं की नदी निश्चय के पहाड़ को नहीं हिला सकती। रो, खूब रो, उस बेईमान के लिए खूब आंसू बहाओ, उस नीच के लिए खूब चीखो, चिल्लाओ। छोड़ दो मेरे पैर। नहीं छोड़ूंगी, कभी नहीं छोड़ूंगी। देवी, मैं तुम्हारे सामने पल्ला फैलाकर अपने सुहाग की भीख मांगती हूँ, मुझे नाग ज्योति देकर मेरे अंधेरे जीवन में उजाला करो, मेरे माथे की सिंदूर की रक्षा करो। देवी, मैं तुम्हें अपने कुल की पूज्य देवी मानकर तुम्हारी पूजा किया करूंगी। देवी, बस करो इस नाटक को, छोड़ दो मेरे पैर। नहीं, नहीं, जब तक नाग ज्योति नहीं दोगी मैं इन चरणों को नहीं छोड़ूंगी। नहीं छोड़ेंगे? है कहां जाती है पापिनी, तू मेरे जीवन को बर्बाद करके आबाद नहीं रह सकती। याद रख, मेरी व्याकुल आंखों से निकले हुए आंसुओं की एक एक बूंद तेरी आंखों से खून बनकर बहेगी, मेरे सीने में धधकती हुई दुख की आग तुझे जला कर ही रहेगी। चुप, मुझे शाप देती है ये हिम्मत। कोई है? फेंको काल कोठरी में। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे। पापिनी, अगर मैं पतिव्रता हूं, अगर मैंने पति को देवता मानकर उनकी पूजा की है,
अगर मैंने माँ की ममता को तपस्या मानकर स्वार्थ का त्याग किया है तो तू मेरे पति और मेरे बच्चे का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। पतिव्रत धर्म के मधुर गीत गाने वाली महासती, इतना अभिमान है पतिव्रत धर्म का तो मेरे पैर क्यों पकड़े, मेरे पैर क्यों चुने? सुन, आज सूरज के छिपते ही तेरे पति की लाश तेरी आंखों के सामने होगी और तेरे बच्चे का मुर्दा शरीर तेरी गोद में होगा। देखूंगी तेरा सतीत तेरे पति और तेरे बच्चे को कैसे बचाए। ले जाओ इसे। पापिनी, राक्षसी, पिशाचिनी। ले लिया अपना बदला। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। ले भगवान जल्दी, मैं यहां तंग आ गया। आ गई, आ गई। कहां छुप गया ये? कहीं भाग तो नहीं गया? कबड़ा। अच्छा, ये बात है। ये मुझे फंसाने चली थी, खुद फंस गई। बहादुर के बच्चे, दरवाजा खोलो, नहीं तो बाहर आकर मैं तुम्हारी बोटी बोटी नोच डालूंगी। मोटी बोटी नोच डालोगी? बाहर आओगी तो बोटी नोचोगी ना। अभी उम्र भर तक अंदर ही पड़ी रहो। नागी, तुमसे मिलकर हमें बहुत खुशी हुई। नमस्कार। कितनी अच्छी हवा है। बहादुर के बच्चे, दरवाजा खोलो। उस दिन कुल्हाड़ी दिखाकर धमकी दी थी, आज क्या करोगी? नलिनी, तुम मुझसे दूर भागना चाहती हो और भाग्य तुम्हें मेरे पास खींच लाता है, ठीक है ना? पापी, नीच, दुष्ट, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। आज कभी नहीं भाग सकती। छोड़ दो, छोड़ दो मुझे।
शाप से मुक्ति मिल गई। पिताजी अटल सौभाग्यवती रहो बेटी, आयुष्मान चिरंजीव हो बेटा। अरे मेरा बच्चा, मेरा राजा। बस जो हुआ सो हुआ, चलो अब राजमहल चले। आ बेटा चलो नल्ली। देवी 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 देवी, मुझे क्षमा करो, मैंने पतिव्रत धर्म की महिमा को न समझकर तुम्हारा अपमान किया, तुम पर अन्याय किया। पतिव्रता के मुंह से निकले हुए वचन कभी झूठे नहीं हो सकते, कभी बेकार नहीं जा सकते। मुझे क्षमा करो, मुझे क्षमा करो देवी। नागरानी, भाग्य का लिखा सभी को भोगना पड़ता है, इसमें तुम्हारा कोई अपराध नहीं। देवी, आज मुझे मालूम कि पतिव्रता के सामने कोई भी शक्ति नहीं ठहर सकती। धन्य हो तुम। विजय भैया, विजय भैया, विजय भैया, विजय भैया। अरे तू यहाँ कैसे? विजय भैया, मैं इस टाइम से गुजर रहा था, मेरी जान बहुत मुसीबत में है, वो नागे मेरा पीछा कर रही है, मुझे बचाओ विजय भैया। अरे ये कौन है? मुसीबत आ गई। मुझसे बचकर कहाँ जाओगे? चलो नागलो। नहीं आते, नहीं आते जाओ। मुझे भैया बचाओ, देवी मुझे बचाओ, इसे कुछ कहो। नागी, तुम इनसे शादी करके पृथ्वी लोक में ही रहो। हाँ देखिए, शादी करके। शादी या बर्बादी, मेरी दुल्हन, मुबारक जाऊं।